You can now access all of our videos from class 9th to 12th on our app. Download it now through link given in the description. Hello everyone. JEE का एग्जाम बस बहुत ही जल्द होने वाला है एंड वी होप यू ऑल मस्ट बी गियर अप टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अवंती में हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने एक लिस्ट बनाई है हर एक सब्जेक्ट वाइज कि आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एंड बेसिकली हाउ यू कैन स्कोर बेटर इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दिस विल बेसिकली हेल्प यू इन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। ऑल्सो अगर तो आप में से कुछ बच्चे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लैक कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। Let us start with physics. Physics एक ऐसा subject है जिसमें आप लोग सिर्फ formulae, definitions या किसी भी और चीज़ को सिर्फ cram करके या रट के score नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको concepts की basic understanding ज़रूर होनी होगी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि किसी भी concept को रटना is much easier, या फिर वो formula याद कर लेते हैं, paper में जाके बस values put in करके answer निकल आएगा। Believers, that is not true. आजकल ज़्यादातर questions जो JEE exam में पूछे जाते हैं, वो application based होते हैं। तो इसीलिए आप लोग सिर्फ रट के उनको आंसर नहीं कर पाएंगे। आपको कंसेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी होगी और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको फिजिक्स की आएगी बाय फर्स्ट रीडिंग योर मटेरियल प्रॉपरली एंड देन सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन फॉर प्रैक्टिस। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अवंती में हमारे एक्सपर्ट्स ने प्रीवियस ईयर के JEE पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया है। हमने हर एक क्वेश्चन को उसका डिफिकल्टी लेवल, उसका कॉन्सेप्ट कौन सा पूछा गया है, चैप्टर एक्सेट्रा के बेसिस पे मार्क किया है। अगर तो आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो देखनी है तो इस डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस एनालिसिस से फिजिक्स के लिए ब्रॉडली पता चलता है कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्लीज नोट है कि हम लोग आपको इंटेंशनली किसी भी टॉपिक को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट हमने ऑब्जर्व किया है कि इन दोनों में से डेफिनेटली हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को सबसे पहले सबसे अच्छे से पढ़ने का प्लान जरूर करना चाहिए। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपको कॉन्सेप्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा हर एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को किस तरीके से देखना है हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट ही होते हैं, तो इसीलिए अगर तो आपने अपना कंटेंट अच्छे से पढ़ा है तो आप उनको इजीली आंसर कर पाएंगे। इसके बाद अगर तो फिजिकल केमिस्ट्री में आए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, तो इसीलिए अगर तो आपने अपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हैं और थोड़ी सी घर में प्रैक्टिस की है न्यूमेरिकल्स की तो आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ऑल्सो वी वुड सजेस्ट यू कि आप अपने पेपर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए और उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को सारे रिएक्शंस, उनके कैटलिस्ट, वो किस तरीके से प्रोसीड करते हैं और मैकेनिज्म्स अच्छे से पता होने चाहिए। मोर इम्पॉर्टेंटली JEE में पिछले कुछ सालों में मैकेनिज्म के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन पे एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर के JEE पेपर के एनालिसिस से पता चलता है कि केमिस्ट्री के तीनों ब्रांचेस फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है और तीनों में से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनी ऑफ दीज। प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे इन तीनों ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सम अप करने के लिए वी वुड सजेस्ट कि सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में से आप फटाफट चैप्टर से गो थ्रू कर लीजिए, सारे फॉर्मूले पे स्पेशल ध्यान दे और उनसे रिलेटेड थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी डेफिनेटली सॉल्व कर ले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस, उनकी कंडीशंस और कैटलिस्ट पे ध्यान दें, उनके मैकेनिज्म को जरूर समझें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सेक्शन है जो आपको इजीली 100% स्कोर दे सकता है अगर तो आप उसको थोड़ा सा टाइम दें एंड इफ यू आर गुड एट रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिक्स। हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी इन विच वी टोल्ड यू कि अब से JEE की मेरिट लिस्ट बनाने के लिए परसेंटाइल्स का यूज होगा, और अगर तो किसी भी दो बच्चों की JEE की परसेंटाइल सेम होगी तो उनकी मैथ को परसेंटाइल देखा जाएगा, विच मीन्स कि अगर तो किसी दो बच्चों की JEE परसेंटाइल सेम है तो उनमें से जिनके भी मैथ्स में परसेंटाइल ज्यादा है उनको एक हायर रैंक दी जाएगी। तो इसीलिए नाउ यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक मैथ्स लाइटली, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर के मैथ्स पेपर को अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत है। व्हेन आवर एक्सपर्ट्स एनालाइज द पेपर तो ये रिवील हुआ कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो कैलकुलस में से, फिर एलजेब्रा एंड देन कोऑर्डिनेट में से पूछे जाते हैं।
1/3 of the paper in fact is your calculus. तो इसीलिए आप calculus को अच्छे से पढ़ के जाइए. इसके बाद algebra और coordinate भी major chunk बनाते हैं paper का, इसीलिए इनको भी बिल्कुल मत छोड़िए. But as we always see, maths is best mastered at through practice. तो इसीलिए जब आप maths को लेकर के बैठते हैं तो सिर्फ questions and solutions को read मत कीजिए, thinking it will save time. आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो उसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए विदाउट लुकिंग एट इट्स सॉल्यूशन एंड आंसर. खुद से करने के बाद ही चेक कीजिए कि आपने जो किया है वो सही किया है या फिर नहीं. इन सभी के अलावा एक और चीज जो जेई क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको प्रीवियस ईयर के जेई पेपर्स को सॉल्व करना होगा. इनफैक्ट जेई से कुछ वीक्स पहले आप जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं जरूर करिए. आपके प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने PCM की सारी डिटेल्ड वीडियोस एंड JEE के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर्स हमारे ऐप पर अपलोड कर दिए हैं. आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. हम लोग हर वीक नई वीडियोस रिलीज करते हैं ऑन हाउ यू कैन प्रिपेयर बेटर फॉर JEE एंड हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. Avanti is launching new video series. Tune in every Monday for JEE problem solving and every Saturday for a class 10 video. We will also be releasing exciting science videos. So subscribe now so that you never miss an update from us.